afternoon. I hope you are doing well. Students, today we are going to play a word game. I hope you are ready. Hello, Dolly. Hello, Sunil. Hi, Mahima. Hello, Samira. Good afternoon. How are you? Hello, Naveen. Are you ready for the quiz? Hello, Astha. Hi, Ojas. Good afternoon. Well, students, आज के मेंटी क्विज में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, गेस कर सकते हो? ओ, बिकॉज ऑफ स्कूल. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड. हाँ, इस टाइम पर तो आपकी स्कूल की भी क्लासेस चलती होंगी और अब तो आपने सबने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्योति एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर. और आज हम करेंगे पार्टिसिपेट एक क्विज में, ठीक है? तो क्विज का कोड हम मैंने दे दिया है और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस, नॉट एग्जैक्टली. हाँ ठीक है, बताओ क्या क्वेश्चन होगा. कल की टॉपिक बेटा महिमा, आज मैंने सोचा चलो आज तो मुझे ये क्विज कराना है ना, तो अभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी बेटा बाबू का जो क्विज है वो किसी और दिन ले लेती हूँ. वोकैबुलरी, ठीक है. हेलो सिमी, गुड आफ्टरनून. कल कल का जो चैप्टर पढ़ाया था उसका क्विज भी कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? बिल्कुल कराऊंगी. हैव यू ज्वाइंट द मेंटी क्विज? यस, अभी ये क्विज जो मैं कराऊंगी वो menti.com पे कराऊंगी. ओ माई गॉड सबीरा, ये कैसे पता चला? ये क्या चल रहा है? एंड यस, बड़ा सही गेस किया आपने. अच्छा, गेस द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग, हाँ यस, हाँ उससे भी रिलेटेड है. वर्ड्स एंड मीनिंग, वेरी गुड. हाँ, ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने दिया है, बिल्कुल सही. चलो ठीक है, तो आपने गेस कर लिया. स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप्स हैं. ओके सैमू दीदी हैकर हैं. चलो देखते हैं भाई. ओके फाइन, सो 6415-2660 इज द कोड. यू कैन ज्वाइन दिस क्विज ऑन menti.com, राइट? यस, लेट मी शेयर द स्क्रीन. नहीं, मुझे लगता है समीरा ने स्पेशल क्लास ज्वाइन किया था. स्पेशल क्लास पे भी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था, आई रिमेम्बर. यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. 23 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन नाउ, 24. सो वन मोर एंड आई विल स्टार्ट द क्विज. 25, अरे वाह, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है. 27, अरे वाह, ठीक है. तो क्या 30 हो जाने पर स्टार्ट करूं? 30 हो जाने पर स्टार्ट करूं? यस, बिकॉज 28 स्टूडेंट्स आर देयर, 28 पार्टिसिपेंट्स. और अब जल्दी से मुझे अगर मिल जाते हैं दो और तो मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगी. आई एम बेबी फूट. अच्छा, आई कैन सी. ओके 31, फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द काउंट डाउन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी गो. एंड समीरा, ये मुझे बात समझना है कि कैसे पता चला. स्पेशल क्लास पे शायद मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे.
ओके सो वी हैव दिस सेंटेंस एंड यू हैव अ पर्टिकुलर हाईलाइटेड वर्ड हियर वर्सेटाइल एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. सो यू हैव अ सेंटेंस हियर ऑल्सो. नाउ व्हेन यू लुक एट द सेंटेंस देन ऑल्सो यू कैन गेस द मीनिंग इफ यू आर नॉट इफ यू डोंट नो है ना द मीनिंग. गैकिंग ऑफ हैकिंग आई नो. ओके सो व्हाट इज द मीनिंग चलिए बताइए क्या 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 है क्या जल्दी से बताओ क्या मीनिंग होना चाहिए इस पर्टिकुलर वर्ड का. फर्स्ट वन एबल टू डू मेनी थिंग्स. वेयर इज द आंसर. यस वेरी गुड ए दैट्स राइट. नाउ यू विल बी गेटिंग द लीडर बोर्ड हियर. तो चलो देखते हैं जल्दी से. वेरी गुड स्टोरी वर्ल्ड ऑलवेज विद यू. हाँ व्हाट इज योर नेम. जेनी इज ऑन टॉप. देन वी हैव समीरा. देन वी हैव हसलर. देन वी हैव परिधि अक्षरा सेमी राशि मंथन फैजन एंड मेटल. वेल डन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू. क्वेश्चन नंबर टू. जेनी भी हैकर है. अब क्या ही मैं बताऊं. अगर ऐसा चल रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती. ओके द प्रिंस एबडिकेटेड द क्राउन. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड. सो यू हैव द वर्ड एबडिकेटेड हियर एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग. चलिए बताइए. हेलो लक्ष्मी. गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू डूइंग. यस पीपी यादव समीरा जेनी सोनिका एवरीबॉडी टेल मी द आंसर. सिमी हैज रिटन सी. नो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर. ऑलवेज विद यू हैज रिटन टू गिव अप अ पोजिशन एज किंग. वेरी गुड दैट्स राइट. यस दैट्स द करेक्ट आंसर. ए वेरी गुड. यस चेतना दैट्स राइट. एवरीथिंग रॉन्ग आई एम डूइंग. तो लक्ष्मी प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है. ओके जेनी इज ऑन टॉप. देन वी हैव समीरा. देन वी हैव इशिता. नो आफ्टर समीरा वी हैव राशि मंथन आस्था इश्ता परिधि विदांशी अक्षरा एंड सिमी. आई गॉट 40 आउट ऑफ 45 इन विच टेस्ट. इंग्लिश टेस्ट. कंग्रेट्स देन. ओके क्वेश्चन नंबर थ्री. यस शी आस्क मी लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. सो वट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड पर्टिनेंट. सो येस यू आर गेटिंग द सेंटेंसेज ऑल्सो राइट. सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मीनिंग देन एटलीस्ट यू कैन जस्ट लुक एट द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड यू कैन गेस द मीनिंग राइट है ना. अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता कि हाँ क्या होता है मीनिंग तो मैंने आपको सेंटेंसेस भी दे रखे हैं. ओके बताओ जल्दी से आंसर. आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर. इंग्लिश 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 तो मैंने ऑप्शन में भी क्या लिखा है आपने. ए वेरी गुड वेरी गुड. यस दैट्स राइट. ए यस रेलिवेंट. यस ओके वेरी गुड. रेलिवेंट क्वेश्चंस दैट्स राइट. सो लेट मी चेक किसको किसको पॉइंट्स मिले हैं अभी. जेनी ओपी जे ओ 10 ओपी. ओ
थैंक यू सो मच जेनी फॉर शेयरिंग दिस रेफरल कोड. यस दिस इज माई रेफरल कोड और इसका यूज आपको पता है. इफ यू आर बाइंग द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज दिस कोड. ठीक है. और जितने भी आपके स्पेशल क्लासेस हैं फ्री अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर उनको अनलॉक करने के लिए भी आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा. ओके सो समीरा इज ऑन टॉप देन वी हैव राशि देन वी हैव जेनी देन आस्था सिमी मंथन गेस मी ये कौन है भाई. देन वी हैव संपूर्णा देन चेतना देन ब्रांड. ओके नाउ द नेक्स्ट 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 क्वेश्चन इज देयर क्वेश्चन नंबर 4. ओके he seemed a very jovial guy. Choose the correct meaning of the highlighted word. I am guess me. तो आपने तो कमाल कर रखा है नहीं चार्ट बॉक्स में. I can read always with you. Remember me. तब भी नाम का पता नहीं चल रहा है ना. परिधि है. अच्छा जी. Friendly. Very good. Okay. Now we have the leaderboard here. So we have Samira, we have Jenny, Aastha, Simi, Rashi, guess me is Paridhi. अब मुझे तो नहीं पता लेकिन ऐसा बच्चे बोल रहे हैं है ना. किसने लिखा है समीर नहीं ये जेनी ने लिखा है ना. Yes. Okay, so Sampurna, Manthan, Ananya and Ananya, Jadav and Ananya. Acha, do Ananya. Okay. Question number 5. गेस में इस तन में. अच्छा ओके सो नाउ यू हैव अ न्यू वर्ड हियर. चलो जल्दी से बताओ क्या मीनिंग होना चाहिए. एंड यू आर गेटिंग अ सेंटेंस. बार बार मैं बोल रही हूं कि आपको सेंटेंस भी मिल रहा है ना. ठीक है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब गेस तो एटलीस्ट कर सकते हो. रिवाइज सो ही रिवाइज्ड अ न्यू वे ही इन्वेंटेड. वेरी गुड. Now the leaderboard is there again. Samira is on top. Then we have Jenny. Then we have Aastha, Semi, Rashi, Guess Me, Tanmay. अब पता नहीं जो भी है क्योंकि नाम तो बता नहीं रहे बच्चे अपना. Okay. Then we have Sampurna. Then we have Manthan, Ananya and Ananya Jadhav. Now we have question number 6. Hacking या gacking के बारे में बताऊं. अच्छा जी. Choose out the odd one. Cries of weep laugh. Which is different? जल्दी से बता दो. Yes, you can share your answer in the chat box also. क्योंकि यहां पर आपको आंसर नहीं दिख रहा है राइट. द लास्ट वन. नो 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 वर्षा. द लास्ट वन डी. यस लाफ. वेरी गुड. दैट्स राइट. क्यों व्हाट इज द रीजन क्यों ऐसा है बताना. बाकी के तीन वर्ड्स आपको इतने सिंपल से दिए हैं नहीं. हा वीप क्राई सॉब सिनोनिम्स नहीं है ये तीनों. है ना रोना. विटा वोंग की मेंटी कब करोगे. तो विटा वोंग की मेंटी मैं प्लान करती हूं अभी अभी
नेक्स्ट वीक में करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक में करती हूँ, क्योंकि अभी तो जितने भी लेसन्स हैं बेटे, सेशंस हैं बेटा, वो सारे के सारे शेड्यूल हो चुके हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीक में मैं कर सकती हूँ। ओके समीरा, देन वी हैव जेनी, देन वी हैव आस्था, देन वी हैव सिमी, देन राशि, देन गैस्मी, संपूर्णा, मंथन, अनन्या एंड अनन्या जाधव। ओके नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। विटाबोंग क्या है? आपको शायद नहीं पढ़ना हो, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसका एक चैप्टर है, द इन्वेंशन ऑफ विटाबोंग। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7। विच इज अ सिनोनिम ऑफ सुपरफ्लुअस। ओके सो यू हैव दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड यू आर गेटिंग दीज ऑप्शंस। नहीं बेटा मैं नहीं देखती सरिता, नहीं देखती। अच्छा आप 8th में हो, पर 8th की क्लासेस तो कभी मैं देखती नहीं हूँ आपको अटेंड करते, हमेशा 7th की ही करते हो, ऐसा क्यों है भाई? एक्स्ट्रा नॉट नेसेसरी, वेरी गुड, यस दैट्स राइट। टिया आई होप यू विल लाइक द सेशन। सो वी हैव समीरा, वी हैव जेनी, वी हैव आस्था, वी हैव संपूर्णा, मंथन, सेमी, राशि, अनन्या, गैस्मी एंड तमन्ना। वेल डन ऑल द टॉप 10 स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस हियर वी गो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 8। हेलो रीवा, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? विच इज अ सिनोनिम ऑफ सैंक्शन, डिनाई, अप्रूव, रिक्वेस्ट। मैं अपनी क्लास की टाइमिंग चेंज कर दीजिए प्लीज। अच्छा बेटा मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, हाँ मैं आज आज कोशिश करती हूँ स्लॉट, दूसरा स्लॉट लेने की। अप्रूव, यस दैट्स राइट, वेरी गुड। ओके सो समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी एंड देन वी हैव मंथन। क्वेश्चन नंबर 9। अरीबा द कोड इज 6415266 0, 6415266 0। आई हैव शेयर्ड, ओके सो यू हैव टू अरेंज द जंबल लेटर्स। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सुपरफिशियल? नो नो नो, नॉट फर्स्ट। हाय निगार, गुड आफ्टरनून, द लास्ट वन, यस समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, देन वी हैव राशि, मंथन, यस सी वॉज द करेक्ट आंसर, देन वी हैव तमन्ना, अनन्या, आस्था, गैस्मी एंड विदांशी। वेल डन। ओके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर, ओके अगेन यू हैव अ वर्ड हियर बट एक्चुअली द लेटर्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, तो ये आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स। सो यस आई हैव गिवन यू द ऑप्शंस आल्सो, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपकी स्पेलिंग की टेस्ट हो जाएगी, राइट। हाँ तो बिल्कुल अभी स्पेलिंग टेस्ट है, अभी देखो
सारे लेटर्स को तो इंक्लूड करना ही है और साथ साथ करेक्ट ऑब्वियसली स्पेलिंग भी लिखना है। निगर, आई एम फाइन, थैंक यू। विच वन? ऑलवेज विद यू हैज रिटन ए। ओके एंड बताओ। वेरी गुड। आस्था हैज रिटन ए, ओजस्व ए, वर्षा ए। तो यस, नाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑल्सो। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, बट आई थिंक यू विल गेट द लीडर बोर्ड बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, वी हैव द लीडर बोर्ड हियर। समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, संपूर्णा, मंथन, राशि, तमन्ना, अनन्या, आस्था, गैस्मी एंड विदांशी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट का ए देना सब। अच्छा समीरा, ओ सब सब सबको आंसर बता रहे हो। हाँ चलो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी अभी, हाँ सारे बच्चे आप पे भरोसा कर लें और फिर देखें कि अरे ये क्या हो गया। नहीं अब देखो क्या किया। 14 स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड ए, तो कहीं समीरा की बात तो नहीं मान गए आप सभी। हाँ बताओ जल्दी से। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी, यस। बी, दैट्स राइट निगर, यस दैट्स राइट। गलत आंसर तो बता ही सकती हूँ। हाँ, बच्चों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। वेरी गुड। चलो ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नो, वी आर गेटिंग द लीडर बोर्ड। समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, देन संपूर्णा, देन राशि, तमन्ना, अनन्या, मंथन, गैस्मी, आस्था एंड विदांशी। वेल डन। हेलो अंशिका, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? मैम ठीक था स्पेलिंग किसका? हाँ बिल्कुल वही सही था स्पेलिंग, बी। नो नहीं, आई कैन शो यू दैट अगेन। अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो करेक्ट कर दूंगी, बट मुझे नहीं लगता। नहीं, मैंने बी ही सेलेक्ट किया था और मुझे लगता है बी ही करेक्ट स्पेलिंग भी है। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू वंस निगर, इफ यू हैव कंफ्यूजन देन लेट मी शो यू। यस, फर्स्ट हैज एक्चुअली जी ए बी एल ई, राइट? देख रहे हो आप निगर, एंड इट शुड बी जी ए बी एल ई, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई ए बी एल ई, राइट? हाँ बी ही सेलेक्ट किया है मैंने पहले से ही। इज दैट क्लियर निगार? इज दैट क्लियर? ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। आई एम लेट एवरी डे बिकॉज माई स्कूल गेट्स ओवर एट 1:30। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेटा।
बट हमारे पास भी लिमिटेड स्लॉट्स ही है ना, तो अभी तो किसी ना किसी को इस टाइम पर लेना ही है क्लास। बट कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, अगर मैं 3 डेज भी अगर मैनेज कर सकती हूँ तो आई विल आस्क। ओके, यस माई टीम। हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग? ना, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये तो 50-50 हो गया। नहीं, ए के लिए भी बड़े सारे आंसर आ गए, बी के लिए भी बहुत सारे आंसर आ गए, तो इसका मतलब गेस वर्क हो रहा है। हाँ चलो, लेट मी शो यू द आंसर। वैसे मैं बता दूं आपको, बी इज द आंसर, डबल एफ। आंसर नहीं आया बट बी इज द आंसर। यस, ओके। नाउ वी हैव द लीडर बोर्ड हियर एंड समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, देन संपूर्णा, अनन्या, मंथन, गैस्मी, राशि, आस्था, विदांशी एंड तमन्ना। क्वेश्चन नंबर 13। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। राइट अ वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेफ टू ड्रिंक। ओके, सो यू हैव दीज वर्ड्स, बेसिकली यू हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके लिए आप क्या लिखोगे, क्या किस मतलब एक वर्ड अगर आपको अगर बोलना हो, है ना, फॉर समथिंग विच इज सेफ टू ड्रिंक, सो वॉट विल बी दैट वर्ड? डू यू नो? तो समथिंग विच इज ड्रिंकेबल, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? डू यू नो द आंसर? चैट बॉक्स में शेयर करो पहले, तब जाकर मैं आंसर शो करूंगी। नहीं, बी नहीं है, बी बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है बी, नो नॉट बी, इट इज एक्चुअली ए, पोर्टेबल। यस, इट्स एक्चुअली ए, ए दैट्स राइट, यस पोर्टेबल। यस, 11 स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड द करेक्ट वर्ड। ठीक है, हम यूज भी करते हैं पोर्टेबल वाटर, है ना, तो यस पोर्टेबल, राइट, विच इज सेफ टू ड्रिंक। फाइन, नाउ द लीडर बोर्ड। हेलो मुकुंद, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, देन संपूर्णा, मंथन, आस्था, अनन्या, गैस्मी, राशि, विदांशी एंड तमन्ना। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 14। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 हियर, स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग। अच्छा, सो यू विल बी गेटिंग द वर्ड्स, अगर आपको पता है तो फिर आप जरूर बताओगे कि क्या है वो वर्ड, राइट? यस, टेल मी, कैनल। यस दैट्स राइट, वेरी गुड। नाउ लेट्स क्विकली चेक द लीडर बोर्ड। ए ए ए, यस, वी हैव समीरा, वी हैव जेनी, संपूर्णा, मंथन, आस्था, अनन्या, गैस्मी, राशि, विदांशी एंड तमन्ना ऑन द लीडर बोर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज देयर, सो हियर वी गो। 35 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज। अ पीस ऑफ इनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज। अच्छा जी, क्या बोलते हैं उसको? डू यू नो द वर्ड? आई वॉन्ट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। बताओ बताओ। ऑर्चिड, वेरी गुड मुकुंद, यस दैट्स राइट, यस ऑर्चिड दैट्स राइट। हाँ, जहां पर ढेर सारे फ्रूट ट्रीज लगाए जाते हैं, जैसे एप्पल ऑर्चिड होता है,
यस, वेरी गुड. ओके, नाउ वी हैव द लीडर बोर्ड हियर एंड लेट्स क्विकली चेक द रिजल्ट. समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, संपूर्णा, मंथन, आस्था, अनन्या, गेस्मी, राशि, विदांशी एंड तमन्ना. ओके नाउ, और क्वेश्चंस हैं क्या हमारे पास? यस ऑफ कोर्स, क्वेश्चंस तो हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज देयर. चूज द ऑड वन आउट. यस. ओके, सो यू हैव फ्ली, पैरट, क्रिकेट. इट्स शोइंग रॉन्ग. अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए वोट करो, फिर लेट मी चेक. मैंने सेलेक्ट करके तो रखा था ऑर्चर्ड को ही, बट एक बार चेक कर लूंगी. चेतना हैज इट इन ए, मुकुंद हैज इट इन बी. चलो इसके लिए तो मुझे रीजन भी बताना पड़ेगा कि कैसे, क्यों क्यों समीरा हैज रिटन बी, क्यों, व्हाट इज द रीजन. यू नीड टू टेल मी द रीजन इन द कमेंट सेक्शन. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द आंसर. इफ यू आर श्योर दैट योर आंसर इज एक्चुअली करेक्ट, देन प्लीज टेल मी द रीजन. अभी किसी ने अगर ए सेलेक्ट किया तो अभी आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट्स द रीजन, हाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट, राइट. यस अमीरा, यू कैन टेल मी, बताओ. ऑल आर इंसेक्ट्स, वेरी गुड. एंड पैरट इज अ बर्ड. अरे वाह, क्या बात है. क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज अ स्पोर्ट. अरे नहीं नहीं यहां पर जो क्रिकेट लिखा है ना, क्रिकेट क्रिकेट एक इंसेक्ट भी होता है. देखा नहीं आपने, सभी ने नहीं देखा है? बहुत ही कॉमनली दिख जाता है क्रिकेट तो. किसी ने देखा है जल्दी से बता दो. बताओ. ग्रास ऑफर की तरह ही होता दिखता है. यस That's right, very good. Except parrot, all are insect. That's right. Flea, cricket, and grasshopper. That's right. Yes. So now, parrot is the odd one, and we will be selecting that. Hello, Garima. How are you? Samira. Then we have Jenny, Sampurna, Manthan, Vidanshi, Astha, Ananya, Gesmi, Rashi, and Fazan. Very good. Question number 17 now. Question number 17 is here. Okay, so we have again choose the odd one out. So you have to select. अच्छा, अभी पेयर पेयर में है आपके पास वर्ड्स, तो उनके बीच में कुछ कुछ तो रिलेशन है ना, कुछ ऐसे रिलेटेड हैं दोनों आपस में, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा है जो कि सेम वे में रिलेटेड नहीं है. Fine. I'm good, Garima. How are you? Are you Garima Mohanta? Ah, D. Yes, of course. Yes, that's so simple, no? हाँ, बिल्कुल सही. वेरी गुड. ओके, ऑल रिलेटेड विद द मोस्ट एक्सेप्ट डी. हाँ एकदम सही बताया. ओके, नाउ वी हैव समीरा, देन वी हैव जेनी, संपूर्णा, मंथन, विदांशी, आस्था, गेस्मी एंड फिजान. जेनी, यस, यू हैव ऑल्सो रिटन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. हाँ बिल्कुल सही लिखा है. ठीक है, यस. चलिए, ओके, नाउ शैल आई शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी? स्टार्ट करें. That was the correct explanation actually. Yes,
कि वहां पर अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पर लिखा है ना वाटर है ना या रोड राइड, तो एक्चुअली हम वहां पर मोड्स की बात कर रहे हैं लेकिन एरोप्लेन के साथ पायलट लिखा है तो ऑब्वियसली उसको चलाने वाले का नाम लिखा है। यस ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज देयर। हेलो अर्चना गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 18 एंड हियर वी गो। अगेन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑड पेयर सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द हाउ द वर्ड्स आर रिलेटेड है ना इन डिफरेंट पेयर, जैसे फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है। तो अभी कुछ कैस मतलब कुछ तो होगा, एक कोई चीज कॉमन होगी जो जिसकी वजह से ये रिलेटेड है राइट। चलिए मुझे बताइए क्या होना चाहिए आंसर। टेल मी आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर। यहां तो आंसर नहीं आ रहा आई कैन सी दैट, बट आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ जल्दी से बता दो। नो 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 सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। नो ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी है। यस वेरी गुड बी है। नहीं अगर मैं बात करूं एप्पल तो एप्पल से जैम नहीं बनाते, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे आई थिंक यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन कि क्या मैं बोलना चाह रही हूं, बताओ जल्दी से। कौन बताएगा? अच्छा टोमेटो से प्यूरी बनाते हैं, ऑरेंज से स्क्वैश नहीं बनाते, गर्मी के दिनों में तो बहुत बनाते हैं ना। बट लेमन से सिट्रस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिट्रस सिट्रस का क्या मतलब हो गया? वो तो एक टाइप ऑफ हम बता रहे हैं ना कि सिट्रस फ्रूट है वो राइट। कैसे होगा सी कैसे होगा बताना। यू हैव रिटन सी और ऑरेंज स्क्वैश कैसे स्क्वैश स्क्वैश ऑरेंज स्क्वैश नहीं पिया? व्हाई नॉट बिकॉज जेनी ऑफ कोर्स इसलिए नहीं सॉरी टी आर्ट, क्योंकि आप एप्पल एप्पल से जैम नहीं बनता, एप्पल जैम नहीं खाते हम, क्यों कैसे हो सकता है बताओ। नहीं खाया मैंने बहुत, बिल्कुल बनता है जैम तो एप्पल का भी होता है। यस नहीं नहीं आई हैवंट रिटन प्योर, आई हैव रिटन प्यूरी। यू कैन जस्ट चेक द स्पेलिंग अगेन, PUR EE आई हैव रिटन। हाँ तो स्क्वैश ड्रिंक हम बनाते हैं, ड्रिंक होता है ठीक है, जो भी आपके ऑरेंज स्क्वैश पाइनएप्पल स्क्वैश। नहीं दैट्स एक्चुअली नहीं 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 हाँ तो टोमेटो का तो प्यूरी बनाते ही है ठीक है बिल्कुल। तो लेमन सिट्रस ठीक है हाँ, जैसे भी हम लेमन की बात करें ऑरेंज की बात करें ये सारे क्या है सिट्रस फ्रूट है, तो किसी एक जेनस की हम बात कर रहे हैं लेकिन बाकी सारे क्या है उसके उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई सेकंड इज द ऑड बी, बी ही आंसर सेलेक्ट किया मैंने, आपको आंसर नहीं मिला होगा बट बी इज द करेक्ट वन। यू कैन सी आई एम शोइंग यू द आंसर अगेन फाइन ओके। नाउ द नेक्स्ट वन वन मोर क्विज। हाँ कंडक्ट तो करा सकती हूँ, यस वॉट से रिलेटेड ही क्विज है करा सकती हूँ। इफ यू आर रेडी देन आई कैन। समीरा इज देयर ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, देन संपूर्णा, देन मंथन। इफ यू वॉन्ट देन आई कैन कंडक्ट वन मोर क्विज। क्वेश्चन नंबर 19
अब एक जी सी यस, बट थोड़ा ध्यान देने का था आपको, आपको पता चल जाता, राइट। चूज द ऑड वन आउट। ओके सो यू हैव सिस्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पेडोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक से क्या रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है, पेडोलॉजी बॉडी से रिलेटेड है। इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो आपको बस उसी को सिलेक्ट करना है, दैट इज द ऑड वन, राइट। सो यस टेल मी। जल्दी से बता दो। सी, वेरी गुड, यस। पेडोलॉजी इज एक्चुअली स्टडी ऑफ सॉइल, है ना। हाँ सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नहीं, कार्डियोलॉजी तो हो गई, हार्ट से रिलेटेड ही तो है, जितनी भी चीजें हार्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो दैट इज कार्डियोलॉजी। जेनी दैट इज यस, पेडोलॉजी इज रिलेटेड टू। नहीं, इट्स पेडोलॉजी, DO। हाँ पेडोलॉजी, दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सॉइल। यस सो दैट इज एक्चुअली ऑड। क्योंकि वो गलत है। यस समीरा इज ऑन टॉप, देन वी हैव जेनी, देन वी हैव संपूर्ण, अनन्या, मंथन, विदांशी, राशि, आस्था, गैस्मी एंड तमन्ना। हाँ दैट वॉज एक्चुअली रॉन्ग पेयर ना। पेडोलॉजी इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सॉइल, बट वहां पर लिखा है पेडोलॉजी के साथ बॉडी, सो दैट इज रॉन्ग, है ना। बाकी सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज देयर। मैंने सी को ही चूज किया है टिया, आप लोग इतनी बार आंसर क्यों देखना चाह। मैंने सी को ही चूज किया है, लेट मी चेक वंस। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो आई कैन शो यू दिस अगेन, डोंट वरी। क्या सेलेक्ट किया मैंने? सी, यस, बिकॉज दैट इज रॉन्ग, है ना। नो इट्स नॉट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट जेनी, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। ओके सो यस, नाउ वी हैव द लीडर बोर्ड, समीरा इज लीडिंग। नाउ लेट्स क्विकली चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यस दैट्स। अच्छा, यू यू वर, हाँ, यू वर सेइंग फॉर दिस क्वेश्चन ना, फॉर दिस, तो इट इज करेक्ट, यस, वेरी गुड। ओ वॉज दैट द लास्ट क्वेश्चन? यस जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू द फाइनल रिजल्ट। लेट मी शो यू द फाइनल रिजल्ट, होल्ड ऑन एवरीबॉडी। अच्छा दैट वॉज नॉट द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेट मी चेक वंस, लेट मी चेक वंस। नो दिस इज द लास्ट वन। नहीं, बेटा ये लास्ट क्वेश्चन ही है, देखो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मैं आपको फिर से शो करती हूँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स।
कोई बात नहीं, अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं शो किया होगा तो अभी आ जाएगा, है ना, डोंट वरी। ठीक यू डोंट वरी, बस अभी मेंटी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ तो एक बार थोड़ा टाइम लग रहा है। यस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हियर, एंड यस स्टूडेंट्स ने वोट भी किया है, देखो। कैन यू सी? ठीक है, ओके, सो नाउ लेट मी शो यू द रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट इज हियर। हु इज द विनर ऑफ दिस क्विज, समीरा और जेनी और संपूर्णा, कौन है विनर? ओनली 4 पीपल वोटेड, अच्छा अब क्या कर सकते हैं ना। ओके सो समीरा इज द विनर, देन वी हैव जेनी, देन वी हैव संपूर्णा, वेल डन समीरा। Okay, everybody, so before I end this session, there are a few things that I want to share with you. So I'll start with the Telegram channel. Yes, so yes, we have Telegram channel for class 6, 7th, and 8th. You can join these channels by clicking on the link which we have already given in the description box. Okay, so now we have this Bugs Bounty. तो बग्स बाउंटी फीचर का यूज कैसे करना है आपको? बग्स बाउंटी मतलब अभी अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आपको फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन में, यू कैन यूज दिस दैट फॉर्म। एंड यस आई हैव लॉन्च माई प्लस क्लासेस फॉर डिसम्बर, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन देन यू कैन चेक द डिटेल्स ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। और थोड़ा तो मैं भी अभी आपको बता दूंगी अपने कोर्स के बारे में, बट उससे पहले प्लस क्लासेस के बेनिफिट्स के बारे में बता दूं। When you buy the Plus subscription, then you get unlimited access to all the courses. You can join regular doubt clearing sessions, and yes, you get a study material, and you can join live test series. So these are the benefits of Plus subscription. Now, to buy this subscription, you need to pay the amount which is given. अभी जैसे 24 months के लिए 25,000 pay करके आपको subscription मिलता है, but you will get a discount of 10% if you use the code JO10. So this is my referral code, और इस कोड को यूज करके आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। एंड यस 36 मंथ्स के लिए भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो, 48 मंथ्स के लिए कर सकते हो, 60 मंथ्स के लिए कर सकते हो, 72 मंथ्स के लिए कर सकते हो। तो अभी डिफरेंट प्लान्स हैं, जिस जितने भी ड्यूरेशन के लिए करना है कर लो। ओके वी हैव वन मोर सब्सक्रिप्शन जिसका नाम है आइकॉनिक। इन आइकॉनिक यू गेट एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग इन प्लस, बट हियर यू गेट अ पर्सनल मेंटोर ऑल्सो, एंड यस यू गेट अ स्टडी प्लानर, और वीकली रिपोर्ट भी आपको भेजी जाती है। So to buy the iconic subscription, you need to check the details of iconic subscription on an academy learning app. तो अभी जैसे मैं आपको 24 months के plan के बारे में बता देती हूँ। If you want to buy the subscription for 24 months, then you need to pay 48,000. लेकिन JO10 कोड है, इस कोड का यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना पड़ेगा 43,200. Okay, so I am taking my free special classes on an Academy Learning app, and yes, to join these classes you can use the code JO10. And अभी अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में भी आपको बता देती हूँ। कॉम्बैट अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हर संडे ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 PM पर, क्लासिक 7th और 8th के बच्चों के लिए। अगर आपका रैंक टॉप 25 में आता है, जैसे आप टॉप 25 रैंकर्स होते हैं, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। और यस टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, आज ही इनरोल कर लो। ओके दीज आर द अपकमिंग बैचेस, अभिमन्यु बैच फॉर क्लास 6, अभिमन्यु बैच फॉर क्लास 7th, एंड अभिमन्यु बैच फॉर क्लास 8। तो अभिमन्यु बैच जो क्लास 8th का है उसी में मैं पढ़ा रही हूँ। मेरी क्लास का टाइम होगा 7 PM टू 8 PM ऑन एवरी ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और मैं क्लास 6 को भी पढ़ाऊंगी, क्लास 6 का मेरा टाइम होगा 4:15 टू 5:15 PM ऑन एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे।
तो मुझे लगता है जितने बच्चों ने प्लस की सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले रखी है वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर अभी तक आपने प्लस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा और सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो जैसे अभी अभी मनु बैच में यहाँ पर आप देख सकते हो, अपर्णा तिवारी मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, कंचन मैम SST पढ़ाएंगी, मनीष सर साइंस पढ़ाते हैं, रितु मैम हिंदी पढ़ाएंगी। तो ये सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको अभी मनु बैच में पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे बैचेस हैं जो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ओके एवरीवन, एंड यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू अबाउट आस्क अ डाउट फीचर ऑफ वन अकेडमी लर्निंग ऐप। बाई यूजिंग दिस फीचर यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स एंड यू गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो करना क्या होता है, यू हैव टू क्लिक ऑन आस्क अ डाउट ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड देन टेक अ पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू शेयर एंड सेलेक्ट द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। एंड येस टू अनलॉक दिस फीचर यू हैव टू यूज अ कोड, सो डोंट फॉरगेट टू यूज अ कोड JO10, दैट इज माई कोड। एंड येस सबमिट करो डाउट और जो भी आपने डाउट दिया उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके एवरीवन, सो यस अभी अभी आज की क्लास में तो मुझे नहीं लगता कि एक और मेंटी करा पाऊंगी, ठीक है, तो आज डबल मेंटी रहने देते हैं, बस बस एक, हाँ एक मेंटी काफी है आज की क्लास में, और देखती हूँ अभी तो अभी आपके आपका एक अच्छा क्विज सेशन होगा कब, कल यस तो कल कल पार्टिसिपेट करना सभी के सभी बच्चे। ओके सो हु इज द विनर, विनर विनर कौन भाई, मुझे फिर से देखना पड़ेगा तो मैं एक बार चेक कर लूं। समीरा, समीरा इज द विनर। ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो ट्राई टू शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट सेशन। कोई ड्रॉप कर रहा है, करेंगे ड्रॉप तो ये जब लाइव हो जाएंगे अभी तो। हाँ लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन का ऑप्शन आ रखे हूँ। वो आपने स्ट्रीम की डाल दी थी क्या? डाल दियो। बस फिर लाइव हो जाओ, कुछ सेकंड लगेंगे उसको होने में। अच्छा तस्नीम को तो शायद दिख भी गया, एक मिनट देखूँ क्या, तो वो मेरा वाला दिख रहा होगा उनको, मैं लाइव बैठा हूँ। मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं क्रिएट हुआ था ये। अपना वाला लिंक भेजना सर जरा, भेजता हूँ। ओके दिस इज माइन, भेजता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ना आपका ही देख लेते हैं, मैं यहाँ से बंद कर दूँ। अच्छा चलो मैं भी, हाँ मेरा भेज दिया मैंने आप सबको। ठीक है, मेरा भेज दिया ओके। अच्छा, आई कैन हियर। ये आपने मैंने, मतलब दिख तो सिर्फ आप रहे हो लेकिन आवाज हम सबकी आ रही है। ओके अच्छा, आई कैन
यार ये आपने है। मतलब आप दिख तो सिर्फ आप रहे हो लेकिन आवाज हम सबकी आ रही है। बिल्कुल, कैन आप तो म्यूट कर लो, अभी आपकी गायकी को ऑफ करो। मेरा ऑफ है, मेरा ऑफ है। तुम्हारी नहीं, मैं गुड तो सुनने के लिए, हाँ मैंने गायकी सुनने साउथ के लिए है। ऑन किया हुआ है। नहीं, मेरा ऑफ ही है। नहीं, ज्योति मैम और सोनाक्षी मैम, अगर आप मनन सर का लिंक खोल के हो ना यूट्यूब पे, तो हाँ उस पर म्यूट कर दो। हाँ मैं क्या कूल, हाँ अभी नहीं आएगा। ही? क्यों नहीं आ रहा? अरे जिसमें लिखते हैं ओके ओके, यस। अच्छा मनन सर इसमें बता लिखते रहे हैं क्या? हो, मनन सर बता रहे हो, नहीं, सोनाक्षी बना रही है, जो बना रहा है उसके ऊपर वो बना हुआ आ रहा है, पेन बना हुआ आ रहा ओके गॉट इट। है। इसमें लेफ्ट साइड में दिख जाएगा सबको कि सर्वर किसका है और कौन कौन ज्वाइंट है, और पीछे से आवाज भी आ जाएगी।